तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम Kate.io एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन करेंगे। Kate.io एक्सचेंज के अंदर हमें ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन्स मिल जाते हैं और टोकन्स मिल जाते हैं जो कि हमें दूसरे एक्सचेंजेस पर नहीं मिलते। और दूसरे एक्सचेंजेस पर अगर मैक्सिको एक्सचेंज या OKX एक्सचेंज पर अगर कोई कॉइन लिस्ट होने लगे तो आप पहले से ही Kate.io से बाय कर सकते हैं। तो बिना टाइम से आएगी वीडियो को स्टार्ट कर। किसी भी एक्सचेंज का पता लगाने के लिए आपने कॉइन मार्केट कैप के एक्सचेंजेस वाले सेशन में आ जाना। यहाँ पर आकर फर्स्ट नंबर पे बायनार, सेकंड नंबर पे कॉइनबेस, जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे वो सबसे टॉप के एक्सचेंजेस होते हैं। जो Kate.io वो इस टाइम आ रहा है 8 नंबर पे, जो कि $1.87 बिलियन की वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसका। ठीक हो गया, बहुत ही अच्छी एक्सचेंज है और उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, इस एक्सचेंज पे हम इसीलिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे न्यू कॉइन्स लिस्ट होते हैं जो सबसे पहले Kate.io पे लिस्ट होते हैं। ठीक हो गया, काफ़ी सारे आपको ऐसे कॉइन मिलेंगे जो कि काफ़ी एक्सचेंजेस में नहीं होंगे, लाइक बायनांस, बिटकॉइन वगैरह, इन पे आपको नहीं मिलेंगे, मैक्सिको वगैरह पे भी, और आपको Kate.io एक्सचेंज पे मिल जाएंगे कॉइन। तो सबसे पहले आपने ईमेल से साइन अप कर लेना और एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपने ईमेल पे, वो लिख लेना। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टिप्स वगैरह देंगे कि डिपॉजिट करें, ये करें, वो करें, तो आपने सिंपली बैक होम पे कर लेना। और उसके बाद पैटर्न वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं स्क्रीन लॉक। ठीक हो गया, करने के बाद आपको होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जैसे सारे एक्सचेंजेस होते हैं वैसे ही ये भी एक्सचेंज है, एक सेम मेथड होता है सबका। ठीक हो गया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी कॉइन को बाय वगैरह करने से पहले, P2P से ट्रेडिंग से पहले, कोई भी कॉइन को देखने से पहले, सबसे पहले आपने इसकी कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन करनी होती है। प्रोफाइल के बटन पर आपने क्लिक करना, आपकी ईमेल शो हो जाएगी, यूज़र आईडी शो हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है KYC आइडेंटिटी वेरीफिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी कंट्री बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, फर्स्ट टाइम लिखना है, लास्ट टाइम लिखना है, सर्टिफिकेट टाइप यानी कि नेशनल आईडी कार्ड या पासवर्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कंट्री आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट आप ही कंट्री सिलेक्टेड रहेगी। यहाँ पे अपने फर्स्ट टाइम लिखना है, लास्ट टाइम, और उसके बाद अपलोड आईडी फोटो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड जो भी करना चाहिए आप वो कर सकते हैं। यहाँ से एल्बम से या फोटो क्लिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने रिव्यू के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू पर चलेगी, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो जाएगी और आप इजीली P2P से ट्रेडिंग, डिपॉजिट और विड्रॉ भी इजीली कर सकते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं रिवॉर्ड हब की तरफ, वहाँ जाके चेक करते हैं हमें कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे और कौन कौन से टास्क को कंप्लीट करने के बाद कितने USDT रिवॉर्ड के तौर पर हमें दिए जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टास्क है, न्यू यूज़र गिफ्ट है, फर्स्ट डिपॉजिट हमने करना है, कंप्लीट द फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ नो लेस देन 100 USDT आफ्टर क्लेमिंग दिस टास्क। ठीक हो गया, तो इन्होंने कहा कि हमने 100 से कम USDT, 100 या 100 से ज़्यादा USDT अगर करेंगे तो 30 USDT का क्रेडिट मिलेगा, यानी कि क्रेडिट से मतलब कि हमें 30 USDT के वाउचर मिलेंगे, ट्रेडिंग फी में यूज़ हम कर सकते हैं, वो हमारे ट्रेडिंग फी में कटिंग होगी। इस तरह करते जाएँ तो फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ों के हमें ट्रेडिंग वो मिलते हैं, वाउचर वगैरह मिलेंगे, आपको USDT कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे नीचे आप चेक कर सकते हैं 150 क्रेडिट की आपको सारे के सारे इसी तरह ये ट्रेडिंग फ़ी के मिलते हैं, आपको USDT कोई भी नहीं देगा। तो जैसे हमारी सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद हमें ये एक पॉइंट मिल जाएंगे, 20 क्रेडिट, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग फ़ीस में हमें रिबेट मिलेगी, यानी कि छूट मिलेगी ट्रेडिंग फ़ी में हमें। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा P2P से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, Kate.io पे कैसे USDT को डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ ले सकते हैं, कैसे स्पॉट ट्रेडिंग, कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। कोई भी कॉइन अगर लिस्ट होने लगे, लिस्ट होने से पहले आप उसको कैसे बाय कर सकते हैं, जैसे MEXC पे बहुत सारे कॉइन्स लिस्ट होते हैं और आप उनको कैसे Kate.io पे आके बाय कर सकते हैं, सारी चीज़ों की डिटेल आपको बताई जाएगी नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे। डिपॉजिट का मेथड भी बताया जाएगा कि और एक्सचेंज पे आपके USDT पड़े आप चाहते हैं Kate.io पे ट्रांसफर करना, वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।